वेलकम स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं दी थर्टींथ न्यूमेरिकल फ्रॉम एक्सरसाइज फॉर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो कि सातवा चैप्टर है आपके स्टैंडर्ड फिजिक्स का कह रहा है कि सर्टन क्वान्टिटी ऑफ वाटर फ्रॉम जीरो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस It requires, meaning the kettle requires, 90 minutes to turn all the water, all the water at 100 degrees Celsius into steam. Find the latent heat of vaporization in this case. Given is the specific heat of water that is one calorie per gram per degree Celsius. Theeke?

ठीक है नेक्स्ट 90 मिनट्स में ऑल द वॉटर विच वॉज एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस चेंजेस इट्स स्टेट बेसिकली वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सिनेरियोस एक जहां पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है एंड सेकेंड जहां पर स्टेट चेंज हो रहा है नाउ फर्स्ट ट्वेंटी मिनट्स में टेम्परेचर चेंज करने के लिए लेट्स जो हीट लग रही होगी लेट्स कॉल इट क्यू ठीक है उस हीट को कौन सप्लाई करेगा तो इस हीट को हमारा इलेक्ट्रिक केटल सप्लाई करेगा ओके नाउ सेकेंड टाइप ऑफ हीट दैट इज द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द वाटर इनटू स्टीम उस हीट को भी कौन प्रोवाइड करेगा वेल well, हमारा केटल ही उस हीट को प्रोवाइड करेगा सो देर आर टू हीट्स Q1 वन एंड क्यू जो हमारा केटल प्रोवाइड कर रहा है सो द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज Q1 वन एंड क्यू टू प्रोवाइडेड बाय आर केटल कैन बी डिफरेंट बट द रेट एट विच दिस हीट इज प्रोवाइडेड सो द रेट एट विच हीट इज सप्लाइड ओके सो इसको हम कंडक्शन रेट भी बोलते हैं वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा बिकॉज हमारा केटल एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है और द रेट एट विच इट सप्लाइज हीट इज ऑलवेज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट सो इफ यू आर यूजिंग द सेम केटल टू परफॉर्म दीज टू प्रोसेसिस जहां पर अलग अलग हीट लग रही है

लेट्स इट इट वी कॉल इक्वल टू मिनट्स एंड हमने डिफाइन किया है क्यू टू एज ऑफ हीट हीट विच वॉज सप्लाइड फॉर अ टाइम ऑफ नाइन्टी मिनट्स ठीक है तो हम इस टाइम को टी टू बुलाएंगे एंड ये नाइन्टी मिनट्स है ओके okay. इसके अलावा क्या करेंगे इसके अलावा हम ये भी एक स्टेटमेंट बोलेंगे कि लेट स्मॉल एम बी द मास ऑफ वाटर इन द केटल बिकॉज हमें बोला है ना क्वेश्चन में कि वी हैव सर्टन क्वांटिटी ऑफ वाटर, लेट दैट सर्टन क्वांटिटी बी एम सो एम कैन बी सो एनी हमने एक वेरिएबल एज्यूम कर लिया ठीक है मास ऑफ वाटर इन आर केटल ओके सो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सो सिंस हमने क्यू वन का डेफिनेशन ही ऐसा किया है कि सिंस क्यू वन इज द हीट रिक्वायर्ड हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ वॉटर ठीक है सो वी आर यूजिंग दिस क्यू वन हीट टू चेंज दी टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड फ्रॉम वॉट टेम्परेचर वेल वी आर गोइंग फ्रॉम जीरो डिग्री सेल्सियस टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस सो इस हीट को बाय डेफिनेशन अगर हमें कैलकुलेट करना होगा

पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस तो हम यहाँ पर स्पेसिफिक हीट को वन रखेंगे एंड डेल्टा टी इज द फाइनल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर मतलब हंड्रेड डिग्री सेल्सियस माइनस द इनिशियल टेम्परेचर दैट इज जीरो डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा हंड्रेड एम तो दैट इज द वैल्यू ऑफ क्यू वन इन टर्म्स ऑफ एम एंड इसका जो यूनिट है दैट इज कैलोरीज ओके बिकॉज स्पेसिफिक हीट का जो यूनिट था दैट वॉज इन कैलोरीज सो हीट उस स्पेसिफिक हीट से कैलकुलेट होने वाला हीट भी कैलोरीज़ में ही मेजर होगा लेट मी मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर वन सो ये तो हम हो गया हमारा Q1 का एक एक्सप्रेशन नाउ लेट्स ट्राई टू फिगर आउट Q2 क्या हो सकता है ठीक है सो आर सेकेंड स्टेप इज टू फिगर आउट Q2। टू सो सिंस एज पर द डेफिनेशन Q2 टू इज द हीट दैट वॉज सप्लाइड फॉर नाइन्टी मिनट्स And 90 minutes, jo heat supply hua tha na, that turns all the water into steam. So, Q2 is the heat. Q2 is the heat that changes the state of water. So, heat required to change the state of water. Change the state. And we talk about going from liquid to steam. या गैस वाटर के केस में इट्स कॉल्ड स्टीम ठीक है बाय डेफिनेशन दिस हीट इज कैलकुलेटेड एज मास ऑफ द मटेरियल सो इस केस में हमारा वाटर है टाइम्स द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर दैट मटेरियल सो इस केस में हमारा क्यू टू इज मास ऑफ वाटर हमने अज्यूम किया है एज एम

For kettle, rate of heat supplied is going to be a constant rate. So, rate at which heat is supplied by a kettle is going to be a constant. So, rate of heat supplied or rate of conduction, we represent kate hai as P of conduction. And we know that this is going to be a constant value. The formula for rate of heat is said to be q upon t. Okay, heat divided by time. So therefore, I can say q upon 2t is going to be a constant term. So from this, I can say that q1 upon t1 ka jo ratio hai, that must also be equal to q2 upon t2. Thike? So let me mark this, uh, this as our formula number one. And now if you see if we substitute the values of our q1, q2. जो कि हमने यहाँ पर वन एंड टू में कैलकुलेट किया एंड टी वन एंड टी टू जो थे हमारे टाइम स्टैम्प दैट इज ट्वेंटी मिनट्स एंड नाइन्टी मिनट्स एंड इफ यू सब्सटीट्यूट दिस तो आई थिंक हमें एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा वेयर वी हैव वन अननोन टर्म दैट इज एल वी एंड उससे हम जो है जो रिक्वायर्ड टास्क है दैट इज टू कैलकुलेट द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हम अकम्पलिश कर देंगे सो लेट्स लेट्सिट्यूट ऑल द वैल्यूज तो सब्सटीट्यूटिंग गिवन एंड Calculated values in formula 1. So let me call this as formula number 1. So we get Q1 we discovered to be 100 times M and T1 we uh, tha, that is 20 minutes. Uh, Q2 was M times the latent heat of vaporization and T2 was 90 minutes. Now, before we proceed, some of you might be like, but don't you think that we convert this times from minutes to seconds? आइडियली येस बट हम यहां पर थोड़ा स्मार्ट वर्क कर रहे हैं सो लेट्स ए अगर हमने ट्वेंटी को ट्वेंटी मिनट्स को ट्वेंटी सेकेंड्स में कन्वर्ट भी किया होता था ठीक है सो इट वुड हैव बिन ट्वेंटी इंटू सिक्सटी सिमिलरली नाइंटी मिनट्स वै बिन नाइन्टी इंटू सिक्सटी मिनट्स बट इवेंचुअली दोनों कैंसल आउट ही हो जाते थे सो टू सेव समलकुलेशन ट्रबल वॉट वी आर डूइंग इज वी आर नॉट गट दिस वैल्यूज बिकॉज हमें पता है कि एट दी एंड वो कैंसिल आउट ही होने हैं ठीक है तो वी आर कीपिंग इट एज इट इज नाउ इस पर्टिकुलर टर्म में वाट आर द टर्म्स दैट कैन गेट कैंसल वेल यहाँ से एम और यहाँ से एम हम कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज दोनों केसेस में मास ऑफ वाटर सेम रहेगा हम यहाँ से एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं ठीक है सो ना इफ आईवर टू सिंप्लीफाई आर टर्म सो एल वी इज नाउ नाइन इन टू हंड्रेड नाइन हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू देर फॉर द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर इज फोर फिफ्टी कैलरीज पर ग्राम बिकॉज दैट वॉज द यूनिट्स दैट बी यूज सो दिस इज़ दी वैल्यू ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ पेपराइजेशन फॉर दिस पर्टिकुलर केस एंड दैट्स इट अ व वेरी ईजी क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग बट येस आपको जो है कुछ कंडीशंस पता होने चाहिए स्पेशली इलेक्ट्रिक केटल में कैसे रेट ऑफ हीट कॉन्स्टेंट होता है सो दीज आर द थिंग्स अगर आपको ये पता होगा तो दिस क्वेश्चन इज वेरी ईजी टू डील विथ So, if you want the PDF of the solution, make sure to check the description. Uh, have a nice day.